की खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी के नए पुलिस कप्तान गौरव पुरोहित ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो फिर रेवाड़ी से दूर रहे या फिर अपराध की दुनिया ही छोड़ दे, ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि जिला पुलिस अब अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएगी। पुलिस कप्तान गौरव पुरोहित रेवाड़ी जिला का कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नए कानून का जिक्र करते हुए एसपी गौरव पुरोहित ने कहा कि नए तीनों कानून अपराधियों के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। वहीं नए कानून से अपराध पर नकल करने में पुलिस को मदद मिलेगी। एसपी गौरव ने रेवाड़ी की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि लोगों को अपराधियों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपराधियों से डरेंगे तो उनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आएंगे। जानकारी है, वो थोड़ी बहुत जानकारी ली है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी में जो है जिस तरीके की पुलिसिंग चलती आ रही है उसी तरीके से उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जो है आगे भी पुलिसिंग की जाएगी, और यही प्रयास रहेगा कि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, जनता को जो है जो पुलिस की सेवाएं हैं उसमें बिल्कुल सुलभ तरीके से उनको मिलती रहे, और जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से बनी रहे, लोगों में भाईचारा भी इसी तरह से बना रहे, सौहार्द भी बना रहे, यही मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। सर, आज भी थानों की वही हालत है लगभग, कि जाते आदमी शिकायत नहीं देते, कभी उसको धक्के मार देते हैं, कभी उसको कहेंगे राजीनामा का दबाव बना देते हैं, उसको लेकर क्या आपको किया? देखो, मैं अभी आया हूँ तो अभी मैंने सिर्फ जियो साहिबान से जो है मीटिंग ली है। बाकी के जो हमारे कटिंग एज फंक्शनरी हैं उनके साथ अभी तक मैं मीटिंग नहीं कर पाया हूँ, तो जब मैं उनके साथ मिलूँगा, उनके साथ बातचीत करूँगा, तो मैं आपका ये बिंदु जो है वो निश्चित रूप से उन तक पहुंचाऊंगा कि हमारा काम जो है, हमारी जो सरकार ने जो हमें दायित्व दिया है वो जनता की सेवा के लिए दिया है, और हमें जनता से मधुरता से व्यवहार रखना चाहिए, और जनता की जो शिकायत है उनका जो उचित और त्वरित जो हम निवारण कर सकते हैं उसके लिए हमें पूरे प्रयास करने चाहिए, और यही मेरा संदेश रहेगा। जो हमारे सारे SHOs रहेंगे और भी फंक्शनरी रहेंगे, उन सभी के लिए मेरा यही संदेश रहेगा और मैं आने वाले समय में देता रहूँगा। कार्य योजना तो जो हमारे जैसे PHQ से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसी संदर्भ में रहेगी। जैसे हमारी सबसे पहली तो ये है कि जो महिला सुरक्षा है उस पर हम विशेष काम करेंगे, और जो साइबर अपराध जो बढ़ रहा है उस पर भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। और 1 जुलाई से आप सब लोगों को पता है कि जो नए कानून लागू हो रहे हैं, तीनों नए कानून हैं, तो उनको सफलता से लागू करवाना और